हेलो फ्रेंड्स, आई मुस्तफा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपका स्टेट बैंक में अकाउंट है और आप इसका योनो ऐप या इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हो तो ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। आज की वीडियो में जानेंगे कि लॉगिन पासवर्ड और प्रोफाइल पासवर्ड क्या होता है, इन दोनों में क्या फर्क है, किस तरह से हम इस पासवर्ड को बनाना चाहिए, क्योंकि काफी लोग क्या है कि प्रोफाइल पासवर्ड में ही लॉगिन पासवर्ड एंटर कर देते हैं, फिर उनका ट्रांजेक्शन डिक्लाइन हो जाता है। तो चलिए आगे सीखते हैं वीडियो में डिटेल में। तो पहले हम लॉगिन पासवर्ड को समझ लेते हैं। तो जब भी आपने योनो ऐप को इंस्टॉल किया होगा फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम आपने अकाउंट बनाया होगा। अकाउंट बनाने के टाइम पे आपने यूजर नेम और एक पासवर्ड क्रिएट किया होगा। ये जो पासवर्ड है ये आपका लॉगिन पासवर्ड होता है। इस पासवर्ड के जरिए सिर्फ आप ऐप के अंदर लॉगिन हो सकते हो, आप अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हो, रिसेंटली जो ट्रांजेक्शन किया वो आप चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आपको किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन करना है वो आप इस पासवर्ड के जरिए नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको अलग पासवर्ड चाहिए जिसे हम प्रोफाइल पासवर्ड कहते हैं। आगे अभी हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। सेम इसी तरह से आप योनो ऐप के यूजर नेम और पासवर्ड से इंटरनेट बैंकिंग को आप लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के टाइम पे जो आप पासवर्ड इंटर करोगे ये आपका लॉगिन पासवर्ड होता है। सिर्फ आप इंटरनेट बैंकिंग को आप लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद आप अपने अकाउंट को देख सकते हो, बैलेंस वगैरह चेक कर सकते हो, स्टेटमेंट देख सकते हो, लेकिन किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन आप नहीं कर सकते। उसके लिए आपको प्रोफाइल पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, जो आगे भी हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो यहाँ तक हमने लॉगिन पासवर्ड को समझ लिया है, तो चलिए प्रोफाइल पासवर्ड को समझते हैं। स्टेट बैंक में जिसे हम प्रोफाइल पासवर्ड बोलते हैं, इस तरह के पासवर्ड को दूसरे बैंकों में हम ट्रांजेक्शन पासवर्ड बोलते हैं। नाम से आपको लग रहा होगा ट्रांजेक्शन करने वाला पासवर्ड, ठीक है। तो जैसे ही आप योनो ऐप या इंटरनेट बैंकिंग को लॉगिन करते हो और किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन करना चाहते हो, जैसे किसी को पैसा भेजना हो, कोई डिटेल चेंज या अपडेट करना हो, मेल आईडी चेंज करना हो, मोबाइल नंबर अपडेट करना हो, या एटीएम मंगाना हो, या चेकबुक मंगाना हो, इन सब को करने के लिए आपको एक पासवर्ड की जरूरत पड़ती है जिसे हम प्रोफाइल पासवर्ड कहते हैं। यहाँ पे आपको लॉगिन पासवर्ड नहीं एंटर करना, नहीं तो आपका ट्रांजेक्शन डिक्लाइन हो जाएगा। ये प्रोफाइल पासवर्ड आपके बैंक अकाउंट के सिक्योरिटी के लिए होता है, ताकि बैंक को पता रहे कि ये ट्रांजेक्शन आप ही कर रहे हैं। ये प्रोफाइल पासवर्ड इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आपका यूजर नेम या पासवर्ड किसी के हाथ लग भी जाता है तो वो आपके प्रोफाइल पासवर्ड के बिना आपके अकाउंट से किसी भी तरह का छेड़खानी नहीं कर सकता, अकाउंट का मिसयूज नहीं कर सकता। अब हम जानेंगे कि प्रोफाइल पासवर्ड आपको किस तरह से बनाना चाहिए। पासवर्ड आपको स्ट्रांग बनाने के लिए 5 चीजों का यूज करना चाहिए। अल्फाबेट यूज कर सकते हो, नंबर्स यूज कर सकते हो, अपर केस, लोअर केस और स्पेशल कैरेक्टर का यूज कर सकते हो। स्पेशल कैरेक्टर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यह आपको टाइपिंग कीबोर्ड में मिल जाएगा, यह आप देख सकते हैं। अल्फाबेट मतलब ए से लेके जेड तक आप कुछ भी यूज कर सकते हो। नंबर्स मतलब 1 से लेके 10 तक कोई भी डिजिट आप यूज कर सकते हो। अपर केस मतलब एक लेटर कम से कम आपका कैपिटल हो, मतलब बड़े अक्षर में हो। लोअर केस का मतलब एक लेटर कम से कम आपका स्मॉल हो, मतलब छोटे अक्षर में हो। स्पेशल कैरेक्टर तो आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो, ये देख लीजिए। फिर भी मैंने साइड में एग्जांपल आपको दे दिया है किस तरह से आप प्रोफाइल पासवर्ड आप बना सकते हो। इस कॉम्बिनेशन में अगर आप पासवर्ड को बनाते हो तो पासवर्ड आपका स्ट्रांग बनेगा, इजीली कोई भी हैक नहीं कर पाएगा। और मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा, कोई भी अगर आपको पासवर्ड बनाना हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे इंटरनेट बैंकिंग हो, चाहे आपका जीमेल हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म हो, तो पासवर्ड आपको इसी कॉम्बिनेशन में आपको बनाना चाहिए। पासवर्ड आपका स्ट्रांग बनता है। अगर आपने प्रोफाइल पासवर्ड अब तक नहीं बनाया या आपने बनाया था कभी और इसका पासवर्ड आप भूल चुके हो, इससे आप रीसेट करना चाहते हो, तो मैंने इन दोनों पे वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे तो जाके आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड, आई होप आप लॉगिन पासवर्ड और प्रोफाइल पासवर्ड में फ़र्क समझ पाए होंगे। और अगर आपको स्टेट बैंक से रिलेटेड और भी कोई वीडियो देखना है तो आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके और भी वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके जो बताइएगा, इससे आप अपने व्हाट्सअप में, ग्रुप में शेयर कीजिए। हो सकता है किसी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट्स है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।